नमस्कार मित्रों, अत्यारना ताजा ने महत्वना शैक्षणिक समाचार तमाम विद्यार्थियों माटे। गुजरात सरकार नो वधु एक मोटो निर्णय, राज्य में वधु एक आंदोलन ने पीएम नरेंद्र मोदी जेवा समाचार जानता पहला तमे जो चैनल में नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने फटाफट सब्सक्राइब कर लेजो, कारण के रोजना ताजा ने अगत्यना शैक्षणिक ने अन्य समाचारों आखो दिवसना समयसर अमे तमने पहोंचाड़ता रहेशुं। वीडियो गमे तो लाइक कर देजो अने वधु ने वधु तमारा मित्रों ने मोकली आपजो। गुजरात सरकार सामे कर्मचारी मोर्चो मांड्यो छे। आजे गांधीनगर में सत्याग्रह छावणी खाते कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करशे। आथी सत्याग्रह छावणी मैदान में आज पुलिस छावणी में फेरवायु छे। आज राज्यभर में वनरक्षकों गांधीनगर पहुंचा है, जो भर्ती बढ़ती और नौकरी समय फिक्स करने सहित रजा पगार की मांग कर रहा है। तदुपरांत 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहा है। त्यारबाद मुख्यमंत्री कर्या पीएम मोदी वखाण। पश्चिम बंगाल एसेम्बली राज्य में केंद्रीय एजेंसी अतिरिक्त विरोध ठराव पसार कर आ प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बेनर्जीए कहूं है, मैंने नहीं लगत कि पीएम नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी दुरुपयोग कर रहा है, परंतु भाजपा के नेताओं पोता स्वार्थ में आ काम कर रहा है। हूँ पीएम मोदी सरकार ने पार्टी कामकाज ने अलग रखवा विनंती करूँ छू। आ देश सारूँ नहीं कहवाय। गुजरात सरकार नो वधु एक मोटो निर्णय। मालधारी समाज विरोध ने जोता रखटा ढोर नियंत्रण कायदो परत लेशे। गुजरात विधानसभा टूंका सत्र में राज्य सरकार द्वारा आ कायदो परत लेवामां आवशे। तमने जणावी दईए मित्रों के विधानसभा 1 एप्रिल रोज रखटा ढोर नियंत्रण विधेयक कायदो पसार थयो हतो, परंतु हजू सुधी आ कायदानो अमल थयो नथी। 2 दिवस पहला जीतूभाई वाघाणी कायदो परत लेवाना संकेत आप्या हता। आगळना तमाम विद्यार्थीओ माटे आव्या महत्वना समाचार। मेडिकलना विद्यार्थीओ माटे जे समाचार आव्या छे ते ऑल इंडिया कोटामां पण बॉन्ड नीति लागू पड़शे। नियत समयगाळानी सेवा माटे पण विद्यार्थी बॉन्ड आपवो पड़शे अने बॉन्डनी नीतिनुं पालन करवुं पड़शे। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 थी आ निर्णय लागू पड़शे। राज्यमां स्नातक अने अनुस्नातक तबीबी अभ्यासक्रम आ निर्णय लागू पड़शे। आ अंगे परिपत्र बहार पाड़ी जाण करवामां आवी छे। ગુજરાતમાં વધુ એક આંદોલન અને લેવાયો મોટો નિર્ણય। રાજ્યનું એસટી નિગમ ગુજરાત સરકાર સામે આંદોલનની તૈયારી કરી રહ્યું છે। જો એસટી કર્મચારીઓ આંદોલન કરશે તો રાજ્યની એસટી બસોના પૈણા 22 સપ્ટેમ્બરની મધરાતથી થંભી જશે। આ મુદ્દો એસટી નિગમના 3 યુનિયનના બેઠકમાં મળી હતી, જેમાં મોંઘવારી ભથ્થા સહિતના 20 પ્રશ્નોના મુદ્દાની રજૂઆત કરાઈ હતી, જેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જો પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો એસટી કર્મચારી 22 સપ્ટેમ્બરની મધ્યરાતથી માસ સીએલ પર ઉતરી જશે।